हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की वीडियो स्पेशली गेमर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जाऊंगा कुछ गेमिंग मॉनिटर्स के बारे में। साथ ही मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बाइंग गाइड, जो कि आपकी मदद करेगा आपके लिए आपका डिजायर्ड गेमिंग मॉनिटर चूज कराने में। उनके अंदर काफी अमेजिंग फीचर्स सेट होंगे, तो पूरी वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं हमारे बाइंग गाइड के पहले पॉइंट के बारे में। तो वो है रिफ्रेश रेट ऑफ योर मॉनिटर एंड रिस्पांस टाइम ऑफ योर मॉनिटर। आपको ये कंसीडर करना है बिफोर बाइंग एनी मॉनिटर, जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट आपका मॉनिटर प्रोवाइड करेगा, उतना ही ज्यादा स्मूथ फुटेज और उतना ही ज्यादा स्मूथ गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा आपके मॉनिटर के आउटपुट के थ्रू। और बात करें यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम की, तो जितना कम रिस्पॉन्स टाइम आपको दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है, तो यूं समझिए कि उतना ही कम डिले आपको देखने को मिलेगा आपके मॉनिटर के आउटपुट के थ्रू। बात करें सेकंड पॉइंट की, जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी गेमिंग मॉनिटर, तो वो है उसका स्क्रीन साइज। आपको अपनी प्रेफरेबल स्क्रीन साइज के हिसाब से ही जाना चाहिए बिफोर बाइंग एनी मॉनिटर, क्योंकि आपको अपने डिजायर्ड सेटअप के हिसाब से ही डिजायर स्क्रीन साइज चाहिए अपने मॉनिटर के अंदर। ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही मॉनिटर का स्क्रीन साइज आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी मॉनिटर। बात करें इस बजट की, यानी कि 10,000 के बजट की, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं मोर देन 21 inches ऑफ स्क्रीन साइज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे इस बाइंग गाइड में वो काफी ज्यादा क्रूशियल बन जाता है बिफोर बाइंग एनी मॉनिटर, तो वो है रेजोल्यूशन ऑफ योर मॉनिटर। आपको कंसीडर करना चाहिए एटलीस्ट 1080p, यानी कि फुल HD का रेजोल्यूशन तो आपके मॉनिटर में प्रोवाइड किया गया हो। बिलो 1080p आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कीजिएगा बिफोर बाइंग एनी मॉनिटर, क्योंकि 1080p से नीचे वाले मॉनिटर जो है वो इतने ज्यादा क्रिस्प आउटपुट आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब भी आप गेम प्ले करेंगे अपने गेमिंग PC पर। तो बात करें यहाँ पे स्क्रीन साइज टू रेजोल्यूशन को लेके, तो मैं मानता हूं कि 24 इंचेस तक का अगर आप मॉनिटर ले रहे हैं तो आपको 1080p सफिशिएंट रहेगा। अगर आप 27 इंचेस का मॉनिटर ले रहे हैं तो प्रेफर कीजिएगा एटलीस्ट 2K मॉनिटर लेने की, क्योंकि आपको कोई पिक्सल पीपिंग का इशू ना हो, इसलिए मैं ये कंसीडर करवा रहा हूं कि आप 2K मॉनिटर लें एट ए रेजोल्यूशन ऑफ 27 inches। आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर के बारे में, तो वो है पैनल टाइप ऑफ योर मॉनिटर। ये काफी ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट बन जाता है किसी भी मॉनिटर को लेके। अगर आप प्रॉपर गेमिंग मॉनिटर लेना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके की कलर एक्यूरेसी वाला काम नहीं करना या फिर कलर ग्रेडिंग का काम नहीं करना, तो मैं मानता हूँ आपको TN पैनल ही लेना चाहिए। अगर आप कलर एक्यूरेसी वाला काम करना चाहते हैं, साथ ही में गेमिंग भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ आपके लिए IPS मॉनिटर प्रेफरेबल रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर काफी अच्छे कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी कलर एक्यूरेसी या फिर कलर करेक्शन वाले काम में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो IPS मॉनिटर ही आपके लिए प्रेफरेबल चॉइस रहेगी मेरी तरफ से। अगर आप दोनों ही चीज करना चाहते हैं, यानी कि आपको एक हाइब्रिड सॉल्यूशन चाहिए, तो मार्केट में वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको VA पैनल कंसीडर करने चाहिए अपनी यूसेज के लिए। यहाँ पे आपको IPS जैसे कलर एक्यूरेसी तो नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ी कम देखने को मिलेगी, और साथ ही में TN पैनल की तरह आपको यहां पे हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकते हैं अपने मॉनिटर के अंदर। तो ये एक तरह का हाइब्रिड है और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी मॉडरेट यूसेज है तो। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे इस बाइंग गाइड में वो है इसके एडिशनल फीचर इन योर मॉनिटर। जी हाँ, यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर दिए जाते हैं इन योर गेमिंग मॉनिटर। यहाँ पे आपको AMD FreeSync या फिर NVIDIA G-Sync का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पे दोनों ही कंपनी के ग्राफिक ड्राइवर्स ऐसे ऑप्टिमाइज किए जाते हैं ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए आपके मॉनिटर के आउटपुट के जरिए। और बात करें यहाँ पे और एडिशनल फीचर की, तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर ट्विक किए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉसहेयर सेट किए देखने को मिल जाए, और साथ ही में कुछ कलर मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप कलर एक्यूरेसी वाला काम करते हैं अपने मॉनिटर के ऊपर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारे इस बाइंग गाइड के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी इन योर गेमिंग मॉनिटर। जी हां, आपको हमेशा अपने प्रेफरेबल या फिर डिजायर पोर्ट्स वाले ही गेमिंग मॉनिटर बाय करने चाहिए। यहां पे आपको डिफरेंट तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं एज योर डिस्प्ले पोर्ट्स। यहां पे आपको DVI पोर्ट देखने को मिल जाता है, HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है और VGA पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही बाय कीजिएगा किसी भी गेमिंग मॉनिटर्स को। मोस्टली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके गेमिंग मॉनिटर में मिनिमम HDMI का पोर्ट या फिर DVI का पोर्ट तो अवेलेबल हो, और अगर उसके साथ में VGA का पोर्ट अवेलेबल है तो आप अपने पुराने ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर पाएंगे अपने गेमिंग मॉनिटर के अंदर। चलिए दोस्तों जानते हैं हमारे पहले गेमिंग मॉनिटर के बारे में, तो वो आता है Acer की तरफ से, Acer का नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 21.5 inches का स्क्रीन साइज, और जो रेजोल्यूशन है इस मॉनिटर का वो है 1080p रेजोल्यूशन, यानी कि शार्प आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा इस मॉनिटर के जरिए
बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है इस मॉनिटर के अंदर। और रही बात मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम की, तो यहाँ पे आपको 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है। और रही बात पैनल की, तो यहाँ पे आपको VA टाइप पैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हैं। मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा कि आप कलर ग्रेडिंग का काम करें इसके ऊपर, पर आपको अच्छे कलर आउटपुट का रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा इस मॉनिटर के जरिए। और बात करें यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर की, तो यहाँ पे आपको AMD FreeSync का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है फॉर योर ऑप्टिमाइज्ड गेम प्ले। आइए दोस्तों जान लेते हैं इस गेमिंग मॉनिटर के प्राइसिंग के बारे में। तो ये मॉनिटर आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 8500 रुपीस के ऑन Amazon। टॉकिंग अबाउट सेकंड मॉनिटर इन द लिस्ट, तो वो आता है ViewSonic की तरफ से, ViewSonic का 22 इंच का मॉनिटर। इसके अंदर आपको गेमिंग फीचर इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप कलर एक्यूरेसी वाला काम करते हैं या फिर कलर ग्रेडिंग वाला काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो मैं मानता हूं आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है पर्टिकुलरली ये मॉनिटर आज की इस लिस्ट में। इसमें आपको देखने को मिल जाता है IPS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पैनल, जो कि आपकी मदद करता है आपके लिए कलर एक्यूरेसी वाला काम करने में एकदम सफिशिएंटली। बात करें यहां पे स्क्रीन साइज की, तो यहां पे आपको 22 इंच की स्क्रीन साइज देखने को मिलती है। और रही बात रेजोल्यूशन की, तो यहां पे आपको फुल HD का रेजोल्यूशन आउटपुट देखने को मिल जाता है। बात करें पोर्ट्स की, तो यहां पे आपको HDMI पोर्ट और साथ ही में VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें इस मॉनिटर के रिफ्रेश रेट और या फिर यूं कहिए रिस्पांस टाइम की, तो यहां पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है। और रही बात रिस्पांस टाइम की, तो यहां पे आपको 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम देखने को मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं इस मॉनिटर की प्राइसिंग के बारे में। तो ये मॉनिटर आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 10,000 रुपीस के ऑन Amazon। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको यूं लगा कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो कंसीडर कीजिएगा लाइक करना इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सब्सक्राइब के बदले में इंफॉर्मेशन क्यों है ना अमेजिंग डील, डील से ज्यादा है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा खोज में रहते हैं अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डील्स एंड डिस्काउंट कूपन कोड, तो आपको मेरे ख्याल से कंसीडर करना चाहिए हमारे खोज डील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे हम डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डील एंड डिस्काउंट कूपन कोड्स के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं आज के मेंशन किए गए किसी भी गेमिंग मॉनिटर के बारे में और ज्यादा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस एक बार झांकने की जरूरत है, आपको वहां पे सारे बाइंग लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। उन लिंक्स के ऊपर आप विजिट कीजिए, तो आपको वहां पे और भी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ ही में आप वहां से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग मॉनिटर चाहिए विद इन ए बजट ऑफ अंडर 10,000 रुपीज, तो मेरे ख्याल से आपको ये LG का ये मॉनिटर कंसीडर करना चाहिए अपनी यूसेज के लिए। इस मॉनिटर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 21.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करती है AMD के FreeSync को, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम प्ले का आउटपुट देखने को मिल जाएगा आपके इस मॉनिटर के आउटपुट के थ्रू। रही बात यहाँ पे ऑप्टिमाइज गेम प्ले की, तो यहाँ पे आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा आपको 1 मिलीसेकंड का। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम भी देखने को मिलता है, फास्टर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो आपकी गेमिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए मैं तो मानता हूं वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाती है ये गेमिंग मॉनिटर आप लोगों के लिए। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको HDMI की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, VGA की भी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और साथ ही में हेडफोन जैक की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है विद इन दिस मॉनिटर। और रही बात वारंटी की, तो इस मॉनिटर के ऊपर आपको काफी अच्छी वारंटी का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 3 ईयर्स की वारंटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा LG की तरफ से। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको कलर करेक्शन का भी काम करना है, साथ ही में ये गेमिंग मॉनिटर वाले सारे फीचर सेट होने चाहिए, तो मैं मानता हूं ये चॉइस आपके लिए सबसे सफिशिएंट चॉइस और सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी, क्योंकि इस मॉनिटर के अंदर आपको दोनों ही फीचर सेट देखने को मिल जाते हैं। पर इसकी थोड़ी प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मॉनिटर, यहां पे ये कॉस्ट करेगा आपको अराउंड 11,000 रुपीस के। तो मैं मानता हूं कि अगर आप सेल में लेना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, या फिर सेल पे कुछ ऑफर देखने को मिल जाएगी जिसकी प्राइसिंग को लेके ये बिलो 10,000 तक डिप कर जाएगा। तो मैं मानता हूँ ये चॉइस आपके लिए सही रहेगी। ये आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो का आर्टरी मॉनिटर। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 21.5 इंच का IPS डिस्प्ले, जो कि आपकी मदद करता है आपके लिए कलर करेक्शन वाला काम करने में, और साथ ही में अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाती है ये मॉनिटर आपके लिए। और अगर आप गेमर भी हैं तो भी ये आपके लिए अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी। इस मॉनिटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और साथ ही में AMD FreeSync को सपोर्ट करता है ये मॉनिटर, तो आपको ऑप्टिमाइज गेम प्ले भी देखने को मिलेगा, अच्छा गेम प्ले का फीडबैक आप कंज्यूम कर पाएंगे इस मॉनिटर के आउटपुट के जरिए। यहां पे आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में एंटी ग्लेयर कोटिंग की गई है इस मॉनिटर के ऊपर, ताकि आपको किसी भी तरीके की रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में ना चुभे। तो मैं मानता हूं एक अच्छा ऑप्शन दिया ये Lenovo ने। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहां पे आपको एक HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट की कनेक्टिविटी का तो ऑप्शन मिल ही
है और साथ ही में हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा आपको इस मॉनिटर के जरिए। और रही बात इसकी वारंटी की, तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है अप टू 3 इयर्स की वारंटी ऑन दिस पर्टिकुलर मॉनिटर। कमिंग टू द लास्ट मॉनिटर इन द लिस्ट, तो वो आता है LG की तरफ से, पर इसकी भी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, इतनी भी ज्यादा नहीं है। ये कॉस्ट करेगा आपको अराउंड 10,500 रुपीज के, पर इसके जो फीचर सेट है काफी अमेजिंग है और आपको अपील भी करने वाले हैं इसके फीचर सेट, क्योंकि इसके अंदर आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पे आपको 21.5 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा इस मॉनिटर के अंदर। और रही बात यहाँ पे रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे आपको 1080p फुल HD का रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें इसके गेमिंग फीचर सेट के बारे में, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा AMD का FreeSync का सपोर्ट, साथ ही में यहाँ पे आपको क्रॉस एयर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, डिफरेंट कलर के पिक्चर प्रोफाइल मोड भी देखने को मिल जाते हैं, ताकि आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सेट कर पाए जब भी आप कलर एक्यूरेसी वाला काम करें इस मॉनिटर के ऊपर। बात करें इस मॉनिटर की कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट की कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में VGA का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पे हेडफोन जैक की, जी हाँ, यहाँ पे आपको हेडफोन जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं इस मॉनिटर की वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 ईयर की वारंटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है फ्रॉम LG। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को स्मैश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डील और डिस्काउंट की जानकारी पाने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, और अगर आप बाय करना चाहते हैं आज के मेंशन किए गए किसी भी गेमिंग मॉनिटर को, सारे बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं अबाउट दीज गेमिंग मॉनिटर्स। दोस्तों आज का हमारा सफर बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। आपकी हर शॉपिंग नीड्स के लिए खोज डील है आपके साथ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।